तो आज की क्लास में हम लोग ये वेव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या है कि वेव्स क्या है, ठीक है। तो पहले लोग समझते थे कि वेव्स आर फ्लो ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ डिस्टरबेंस थ्रू मीडियम, ठीक है। तो जैसे मैंने तुमको बताया था जब मैं हीट ट्रांसफर की बात कर रहा था कि जैसे मान लो पानी में मैंने एक पत्थर डाला, तो पानी जहाँ पे, सॉरी हीट ट्रांसफर का एग्जाम्पल भूल जाओ, वो तो रेडिएशन के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो पानी में मैंने एक पत्थर डाला, तो जहाँ पत्थर डाला वहाँ के पानी के पार्टिकल हिलने लगे। जब वो हिले तो उन्होंने अपने बगल वाले को हिलाया, जब वो हिले तो उन्होंने अपने बगल वाले को, उन्होंने अपने बगल वाले को हिलाया। इस तरीके से वो जो पानी के पत्थर की एनर्जी थी वो पूरे पॉन्ड में फैल गई, ये वेव, ठीक है ना। फिर आगे चल के बदला कि जरूरी नहीं कि मैटर हो, ईएम वेव्स वगैरह भी हो सकती है, ठीक है। हाँ, तो ये सब इन्होंने इनके इंट्रोडक्शन में ये सारी बातें बताई, ठीक है। तो अल्टीमेटली इट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंसेस, दैट डिस्टर्बेंस मे बी इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ वाटर ड्रॉपलेट इन अ पॉन्ड ऑन अ पॉन्ड सर्फेस, या दैट डिस्टर्बेंस मे बी इन फॉर्म ऑफ अ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ वैक्यूम, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन ने पढ़ा है, इन लोगों ने 12th क्लास की पढ़ाई अच्छे से की है, कि अगर वैक्यूम में भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है तो उस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड कुछ एनर्जी है, ठीक है। और उसमें अगर तुम कोई डिस्टरबेंस पैदा करोगे तो वो डिस्टरबेंस आगे प्रोपोगेट हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये सब बातें बता रहे हैं, देखो आगे चलकर 15.1 में कहीं से आ गया कि वेलोसिटी ऑफ लाइट के बारे में, और ये सब बातें बता रहे हैं। फिगर 15.1 में कह रहे हैं मेरे पास लाइन से कई स्प्रिंग लगी हुई हों, और सबसे किनारे वाले स्प्रिंग को पकड़ करके मैं ऐसे ऐसे हिलाऊं, ठीक है, आगे पीछे, तो वो वेव जनरेट होगी, इस तरह की बात करने लगे, ठीक है। तो आइडिया क्या है कि वेव होने में क्या होता है, कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए कि हर पार्टिकल अपने आप में एसएचएम करने लगे। इसी तरह से हर पार्टिकल का एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस वाई, या कॉस ओमेगा टी प्लस वाई होने, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है तो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस वाई, या बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस वाई होने लगे, और फिर वो चीज डिस्टर्बेंस आगे प्रोपोगेट कैसे करता है, ये दूसरी बात है। तो वेव होने के लिए किसी तरीके से रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए जो कि वही प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है। जैसे स्प्रिंग में वेव प्रोपोगेट करा सकते हैं क्योंकि वहां पर रिस्टोरिंग फोर्स होता है। गिटार का जो तार है, जब उसको टेंशन दे देते हैं तो उसको प्लग करो तो अपनी मेन पोजीशन पे लौट के आना चाहता है, इसलिए गिटार के तार में वेव प्रोपोगेट करा सकते हैं, ठीक है। पानी की सरफेस है उसमें पत्थर मारो, तो अगर पानी की कोई ड्रॉपलेट सरफेस से ऊपर उठ गई होगी तो उसका मन होगा कि वापस सरफेस पे आ जाए, और अगर नीचे चली गई होगी तो नीचे वाले लोग धक्का देकर उसको वापस सरफेस पे भेज देंगे। तो ये जो चीज़ है वो क्या है, एक तरह की रेस्टोरिंग है। अगर तुमको याद है उन्होंने ऑसिलेशन में एक सवाल किया था जिसमें हमने ये कहा था, एक लकड़ी का टुकड़ा अगर पानी के सरफेस पे तैर रहा है और उसको हल्का सा डुबो दें तो वो ऊपर नीचे हिलेगा और वो एसएचएम करेगा, ठीक है ना। तो उसमें उसका मोशन क्या, अगर तुमने डुबो दिया लकड़ी के टुकड़े को तो पानी उसको ऊपर पुश करेगा, और ऊपर खींच दिया तो पानी उसको, मतलब ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगी, इसकी वजह से उसमें रेस्टोरिंग फोर्स होगा, ठीक है ना। अब इन्होंने अगला जो ये बातें बताते रहे, अगला जो टॉपिक 15.2 बताया वो बताया ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसमें कोई समस्या नहीं है। ट्रांसवर्स वेव का मतलब होता है ऐसी वेव जिसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव हो। एग्जाम्पल हो गया पानी के सरफेस के ऊपर फेंका हुआ पत्थर, तो पत्थर फेंकेंगे तो वेव चलेगी अलॉन्ग द सरफेस और पार्टिकल्स डिस्प्लेस होंगे परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है ना। रस्सी लेकर के ऐसे हिलाएंगे, जब हम सामने से रस्सी बनी हुई इसको हिलाएंगे तो रस्सी में जो वेव पैदा होगी, गिटार स्ट्रिंग को जब प्लग करेंगे तो उसमें जो वेव पैदा होगी, ये सारी वेव जो है वो एग्जाम्पल है ट्रांसवर्स वेव की। बड़ी मेहनत करके लोगों ने यही बताया कि जो लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो भी ट्रांसवर्स वेव है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है, ठीक है। इसके ऑपोजिट इन्होंने जैसे बताया 15.4, देखो कि भाई मेरे पास मान लो एक एयर कॉलम है जिसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है और मैं पिस्टन को आगे पीछे हिलाने लगूं, ठीक है। जैसे उन्होंने लिखा है ना, ये डबल एरो बना करके दिखाया कि पिस्टन को आगे पीछे हिला रहे हैं, ठीक है। तो जब पिस्टन को दबाएंगे तो वहां पर एयर कंप्रेस हो जाएगी, जब पीछे खींचेंगे तो वहां पे एयर रेरिफाइड हो जाएगी।
तो इसमें एक डिस्टर्बेंस चलेगा जहां पे कहीं पर एयर कंप्रेस्ड होगी, कहीं पे रेरिफाइड होगी, फिर कंप्रेस्ड होगी, फिर रेरिफाइड होगी। इस तरह की कंप्रेस्ड और रेरिफाइड एयर का जो फ्लो है उसमें क्या हो रहा है कि पार्टिकल भी जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो वेव ऐसे जा रही है, ठीक है, यहां पर सारे पार्टिकल कंप्रेस्ड हैं और यहां पर रेरिफाइड है, तो अगले स्टेज पे क्या हो जाएगा, यहाँ के कंप्रेस पार्टिकल रेरिफाइड जगह पे जाएंगे, जो कंप्रेस वाले पार्टिकल हैं वो ऐसे मूव करेंगे ताकि यहाँ पे रेरिफिकेशन हो जाएगा और जो साइड में जहां पर कंप्रेशन था, सॉरी रेरिफिकेशन था, वहां पे कंप्रेशन हो जाएगा। तो वेव ऐसे चल रही है और पार्टिकल अपनी जगह पे ऐसे ही चल रही है, यानी कि वेव ऐसे चल रही हो और पार्टिकल ऊपर नीचे नहीं चल रहे हैं, वेव ऐसे चल रही है और पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो साउंड इन एयर, इन गैसेस, बल्कि साउंड इन फ्लूइड, पानी में भी साउंड चलेगी तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लेकिन साउंड इन अ मेटल रॉड जो है वो ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, हाँ, तो इन लोगों ने तमाम तरह की वेव्स के एग्जांपल लेकर के सवाल पूछा है कौन सी लॉन्गिट्यूडनल है, कौन सी ट्रांसवर्स है। तो एग्जाम्पल 15.1 में पूछा है कुछ वेव दे रखी है, पूछे थे कौन सी ट्रांसवर्स है, कौन सी लॉन्गिट्यूडनल है। तो क्वेश्चन नंबर वन है, पार्ट ए मतलब मोशन ऑफ अ किंक इन द लॉन्गिट्यूडनल स्प्रिंग प्रोड्यूस बाय डिस्प्लेसिंग वन एंड ऑफ द स्प्रिंग साइड वेज। ठीक है, तो पास लंबी सी स्प्रिंग थी, अगर उनको साइड वेज हिलाया तो फिर वो ट्रांसवर्स वेव होगी। वो जैसे मैंने साइड वेज हिलाया, इसका मतलब मेरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द स्प्रिंग है और वेव तो अलॉन्ग स्प्रिंग ही चलेगी। ठीक है, अगर जैसे मान लो मेरे सामने से ऐसे एक स्प्रिंग आ रही है, मैं ऐसे ऐसे स्प्रिंग हिलाऊं तो स्प्रिंग में लॉन्गिट्यूडनल वेव पैदा होगी, और ऐसे ऐसे स्प्रिंग हिलाऊं तो उसमें ट्रांसवर्स वेव पैदा होगी। बी कर रहे हैं, वेव प्रोड्यूस इन अ सिलेंडर कंटेनिंग अ लिक्विड बाय मूविंग इट्स पिस्टन बैक एंड फोर्थ। ये वही वाली एयर वाला एग्जांपल जैसा अभी देखा था, ये लॉन्गिट्यूडनल होगी। वेव प्रोड्यूस बाय मोशन ऑफ सेल, मोटर बोट सेलिंग इन द वाटर, जो बोट सेल करेगी उस सरफेस पे जो वेव प्रोड्यूस करेगी वो ट्रांसवर्स होगी। और अल्ट्रासोनिक वेव्स इन एयर प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग क्वार्ट्ज क्रिस्टल, तो जैसे मैंने बताया था एयर में साउंड का ट्रांसमिशन लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है सर, ये आंसर्स में दिया हुआ है बोट ट्रांसवर्स। अरे बाप रे बाप, अच्छा तो चलो बता देते हैं इस बोट की बात क्या है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बता दे बोट का मतलब क्या है। तो इसेंशली क्या हो रहा है, जब मैं बोल रहा था तो मैं थोड़ा सा सिंपल पिक्चर ले रहा था, और चलो ठीक है किताब में दिया तो ऐसे देख सकते हैं। सपोज करो मेरे पास ये पानी की सरफेस है, ठीक है, तो ये पानी का एक पार्टिकल है। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि ट्रांसवर्स का मतलब क्या है कि पानी का पार्टिकल ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन रियल लाइफ में क्या होगा, सपोज करो उसके ऊपर वेव प्रोड्यूस कर दें, वेव कैसे कह देगी, ऐसे दिखेगी। ठीक है, हाँ, तो यार ये यहां पर ये एक्स्ट्रा वाटर आया, ये आया कहां से, और यहां था जो वाटर गायब हुआ वो गया कहां, पानी तो कंजर्व करेगा ना वॉल्यूम। तो वास्तव में क्या हो रहा होगा, जब यहां पे क्रेस्ट हुआ और यहां पे ट्रफ हुआ तो यही वाला पानी इधर चला गया होगा, और थोड़ी देर बाद क्या होगा, यहां पर ट्रफ बन जाएगा और यहां पे क्रस्ट बन जाएगा। ठीक है, तो वापस ये वाला जो पानी था ये तो इधर जाएगा ही, साथ में ये वाला भी पानी इधर जाएगा, तभी वो क्रस्ट और ट्रफ बनेगी। एक्चुअल मूवमेंट ऑफ वाटर तो है नहीं, तो लोग जब बहुत डिटेल में देखते हैं जो पानी का मोशन होता है वो एक सर्कल में होता है। ठीक है, हाँ, पानी कैसे मूव करता है, एक सर्कल में मूव करता है। ठीक है, जो पानी सर्कल में मूव कर रहा होगा, ठीक है, तो वो ना सिर्फ ऊपर नीचे मूव कर रहा है बल्कि आगे पीछे मूव कर रहा है, इसलिए उसको ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों दे दिया। यही बात क्या कहते हैं भाई, स्प्रिंग को मूव कराएंगे भाई, स्प्रिंग लगी हुई है, ठीक है, तो खाली यही हिस्सा ऊपर कैसे जाएगा, जब इधर जाएगा तो इन चीजों को अपनी तरफ ऐसे खींचेगा ना, तो ना सिर्फ ये चीज
मान लो ये मैक्सिमा पे है, तो ये वाला जो टुकड़ा है वो ना सिर्फ ऊपर गई बल्कि इधर की भी तरफ सरकी, ठीक है ना। और ऐसे ही जब ये वापस आएगा, ये इसका मैक्सिमा होगा तो इसको इधर की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब इसके मोशन में दोनों कॉम्पोनेंट है अलॉन्ग द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, इसलिए कह रहे हैं बोथ ट्रांसवर्स अलॉन्ग। तो मेरी बुक में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, जो लोग वीडियो देखेंगे उनके लिए बता दूं। अगला जो टॉपिक है ये कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिलेशन ना प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है। तो जो इन्होंने रिलेशन दे रखा है वो बात इन्होंने सिंपली दे रखी, क्या कह रहे हैं कि वाई एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। ये कहाँ से आया अभी मैं दो मिनट रुक करके बता रहा हूँ, पर किसी वजह से जैसे पहले y इज इक्वल टू ए साइन या कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव था, इसमें फाइव के साथ एक के एक्स का टर्म और जुड़ गया है, ठीक है। माइनस ओमेगा टी से परेशान ना हो, तो माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी हो ही सकते थे, लेकिन जो फाइव है वो फाइव कांस्टेंट ना हो करके, तो बेसिकली क्या हो रहा है, एक ऐसा सिस्टम है जैसे मान लो मेरे पास एक रस्सी है जो डिस्प्लेस होकर के वेव जिसमें चल रही है, तो उस रस्सी के सारे पार्टिकल SHM कर रहे हैं जिनका सबका एम्पलीट्यूड ए है, ठीक है, जिनका सबका एम्पलीट्यूड ए है, जिनका सबका फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, लेकिन सबकी फेज अलग अलग है। फेज कितनी है, के एक्स प्लस फाइव, ठीक है। अगर मैं देखूं तो एक गिवन पॉइंट के लिए एक्स कांस्टेंट है तो फेज कांस्टेंट है, तो के एक्स प्लस फाइव अलग अलग फेज होने की वजह से क्या है, जिस समय एक पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर बैठा है मैक्सिमा पे है, उस समय दूसरा पार्टिकल मान लो पाई बाई टू फेज डिफरेंस पे होगा, वो मीन पोजीशन पे होगा, तीसरा वाला पार्टिकल मिनिमा पे होगा, कोई और पार्टिकल कहीं और होगा, इस तरीके से अलग अलग पार्ट क्योंकि अलग अलग फेज। ये बात कहां से भी एक मिनट रुक करके बताते हैं, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि ये तो लिख दिया गया कि मान लो y a साइन के एक्स है, ऐसे चाहता तो cos में लिख सकता था, और फिर कह रहे हैं मान लो y x कॉमा t को मैं a साइन के एक्स प्लस ओमेगा t प्लस b cos के एक्स प्लस ओमेगा t में तोड़ लूं, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, जो मेरे पास पिछला वाला फंक्शन था ए साइन के एक्स, सॉरी गलती हो गई, आई थिंक वो माइनस ओमेगा टी होगा, ठीक है ना, ठीक है, मेरे में प्रिंटेड नहीं, मैं अपने मन से पढ़ा के बता रहा हूँ। तो जो वाई इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव है, ठीक है, इसको तोड़ लें, तो पहले हमने इसका उल्टी चीज पढ़ी थी, अब यहाँ पे ये चीज पढ़ रहे हैं कि अगर मैं वाई को ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस बी कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी लिख लूँ, तो स्मॉल ए की वैल्यू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फाइव की वैल्यू टैन इनवर्स बी बाई ए हो जाएगी, हम लोग ऑलरेडी ऑसिलेशन में पढ़ चुके हैं, वैसा इन्होंने यहाँ पे काम कर लिया, ठीक है। तो वास्तव में ये साइनोसॉइडल और कोसाइन फंक्शन के सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और चाहूँ तो दोनों को ऐड करके खाली साइन या खाली कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये बात कहाँ से आई है इसको मैं थोड़ा रुक करके बताऊंगा, ठीक है। और 15.4 में इन्होंने साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव कर दिया होगा, ठीक है ना, यहाँ पर मेरे फिर में प्रिंटेड है कि साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव होगा, कि प्लस साइन का मतलब ये हो गया कि वेव नेगेटिव डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। तो ये नेगेटिव डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन का क्या लफड़ा है, ये भी एक मिनट रुक करके बताते हैं, ठीक है, फिर हम लोग आएंगे कि इनके टर्म्स को धीरे धीरे समझने की कोशिश करें, ठीक। तो आओ थोड़ी सी चीजें जो कि बुक से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है पर मैं बताना जरूरी समझता हूँ, इसको वीडियो में समझ लेते हैं। तो जो एनसीईआरटी में इन्होंने वेव दी, ठीक है ना, उसमें पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सिंपल हार्मोनिक है। जब आपने कह दिया कि ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सिंपल हार्मोनिक है, लेकिन वास्तव में वेव का सिंपल हार्मोनिक होना जरूरी नहीं। सपोज करो मेरे पास एक रस्सी बंधी हुई है, तो मैंने ऐसे खींचा हुआ अपनी तरफ ताकि उसमें टेंशन है, और उसको मैं ऐसे हाथ से हिलाना शुरू करूं, तो मेरी मर्जी है चाहे एक सेकंड ऊपर रखूं, तीन सेकंड नीचे रखूं ना, या सेकंड में तीन बार ऊपर भेजूं, एक बार ऊपर ले जाऊं, दो बार ऊपर ले जाऊं, फिर एक बार नीचे ले जाऊं, ठीक है ना, जरूरी थोड़ा ना कि दो बार एक बार ऊपर जाए तो एक ही बार नीचे जाए, ये तो मेरी मर्जी है।
मैं जैसा चाहूं वैसा डिस्प्लेसमेंट पैदा कर सकता हूं। ठीक है, ये जो चांस की बात है कि बेस्ट डिस्प्लेसमेंट कैसे होते हैं कि मैंने मान लो किसी चीज को प्लग करके छोड़ दिया तो जो इंडिविजुअल पार्ट के लिए वो कैसे हिलेगा, ऐसे चल करने लगेगा। मान लो मैंने पत्थर में पानी में पत्थर फेंक दिया तो अगर खाली पत्थर फेंका होता और एक पार्टिकल होता जो कि अपनी मेन पोजीशन से ऊपर या नीचे चला गया होता तो वो एक पार्टिकल कैसे हिलता, ए साइन के ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या ए साइन माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव कर लो, इस तरह से हिलता। अब चूंकि वो हिल रहा है तो वेव आगे प्रोपोगेट हो रही है तो ज्यादातर केसेस में जो हिलने वाला फंक्शन है वो साइन या कॉस होता है। ये चांस की बात है, नेचर में ऐसा होता है। लेकिन मैं रस्सी पड़े खुद अपने हाथ से हिला रहा हूं तो मैं जैसे चाहूं वैसे हिला सकता हूं। ठीक है, तो इसी वर्मा में बहुत अच्छी बात दे रखी, वो कहते मान लो मेरे पास एक रस्सी है, ठीक है, जिसके ऊपर ये पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जीरो है और ये एक्स एक्सिस है, इसको बहुत ध्यान समझना। ठीक है, हाँ, मेरे पास y ऑफ 0, t इज इक्वल टू एफ टी दे रखा है। y ऑफ 0 तो यह क्या बात मैं करने लगा, ये मैं दो वेरिएबल के फंक्शंस की बात करने लगा। y ऑफ 0, t का मतलब क्या है, ये वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, और y ऑफ 3, t का मतलब क्या हो जाएगा, यहां से 3 meter पे जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, जो डिस्प्लेसमेंट है उसको दो चीजों पे डिपेंड कर रहा हूं। y ऑफ x कॉमा t का मतलब क्या है, x बता रहा है कि किस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और t बता रहा है गिवन टाइम पे क्या डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है ना, तो ये कहना है y ऑफ 0, t f t है। अब f t कोई भी फंक्शन हो सकता है, जैसे मैं बता रहा था एफ टी एक ऐसा फंक्शन हो सकता है जो कि टाइम में ऐसा हो, 1, 2, 3 फिर एक बार नीचे, मैं हाथ हिला रहा हूं, 1, 2, 3 ठक ऐसे भी चला सकता हूँ। जरूरी भी नहीं है कि पीरियोडिक हो, मेरा मर्जी है एक बार ऊपर ले जाऊंगा फिर एक बार नीचे ले जाऊंगा, फिर दो बार ऊपर ले जाऊंगा फिर एक बार नीचे ले जाऊंगा, फिर 3 बार ऊपर ले जाऊंगा फिर एक बार नीचे ले जाऊंगा, फिर 4 बार ऊपर ले जाऊंगा। ठीक है, तो जैसा मेरा मन होगा मैं वैसा पैटर्न बनाऊंगा, उसका पीरियोडिक होना भी जरूरी नहीं है। तो जो मेरा मन हो मैं वैसे ये वाला पॉइंट खिलाना शुरू कर दूं। ठीक है, अब क्या होता है कि जब मैं यहां पर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहा हूं तो आगे चल करके पढ़ेंगे किन्हीं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की वजह से, मान लो मैंने सिंपल इसको एक बार ऐसे प्लग करके छोड़ दिया झटका मार करके, इसको हम क्या बोलते हैं, वेव पल्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने वेव पल्स एक झटका देकर के छोड़ दी तो किसी कारण से ये वेव पल्स भागती है जो मटेरियल प्रॉपर्टी है, मेरी रस्सी मोटी है कि पतली है, मेरी रस्सी में ज्यादा टेंशन है कि कम टेंशन है, एयर में अगर इस तरह के डिस्प्लेसमेंट दिए गए हैं तो हम लोग पढ़ेंगे एयर का टेम्परेचर कितना है, एयर का गामा कितना है, ठीक है, एयर का मॉलिक्यूलर मास कितना है, लोहे में अगर ऐसा टेंशन दिया गया है स्टील में तो उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी है, उसकी डेंसिटी कितनी है, तो इस तरह की तमाम तरह की चीजों के ऊपर ये मटीरियल प्रॉपर्टी भाई किसी वेलोसिटी से भी इसे मूव करती है। ठीक है, अब इन्होंने बहुत ही प्यारी सी एक बात की, एक लाइन की बात है, उसको समझ लो, लोग जनरली समझ नहीं पाते हैं। इन्होंने कहा कि y of x, t is equal to y of 0, t minus x by v, ये क्या है। ठीक है, धीरे धीरे समझते हैं, यही बात आदमी समझ नहीं पाता, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वेव के कॉन्टेक्स्ट में। मान लो एक सड़क, ठीक है, हाँ, इसमें एक तरफ से बसेस गुजर रही हैं, ठीक है, ये x इक्वल टू जीरो है और ये पॉइंट है x इक्वल टू x, ठीक है, हाँ, बस किस स्पीड से गुजर रही है,
50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि 100 किलोमीटर पे 12 बजे वो वाली बस गुजरेगी जो 0 किलोमीटर पे 10 बजे थी। बात समझ में? 100 किलोमीटर पे 12 बजे वो वाली बस गुजरेगी जो 0 किलोमीटर पे टी माइनस एक्स वैल्यू की वैल्यू कितनी हुई 12 बजे से, एक्स कितना है 100 किलोमीटर, वी कितना है 50 किलोमीटर बराबर 2 घंटा। तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, मतलब यहां से यहां जाने में 2 घंटा लगता है, 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर से बस चल रही है, तो यहां से यहां जाने में 2 घंटा लगता है, तो जो यहां पर अभी बस है वो वहां 0 पे 2 घंटा पहले रही होगी। तो अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो कि 100 किलोमीटर पे 12 बजे कौन सी बस होगी, तो मैं कहूंगा वही बस होगी जो ओरिजिन पे 10 बजे थी। और तुम मुझसे पूछोगे कि 150 किलोमीटर पे 12:30 पे कौन सी बस होगी, तो मैं कहूंगा वही जो ओरिजिन पे 9:30 बजे थी, क्योंकि 150 किलोमीटर चल के आने के लिए 3 घंटे लगते हैं और 100 किलोमीटर चल के आने के लिए 2 घंटे लगते हैं। तो तुम 150 किलोमीटर पे टाइम में मुझे पूछोगे कौन सी बस पास हो रही है, तो वो वही होगी जो 3 घंटे पहले ओरिजिन से चली थी, और 100 किलोमीटर पे पूछ रहे होगे तो वही वाली बस होगी जो 2 घंटे पहले बस स्टॉप ओरिजिन से चली थी। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने किसी भी पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट को ओरिजिन के डिस्प्लेसमेंट से रिलेट कर दिया, बिकॉज जो ये डिस्टर्बेंसेस हैं ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हैं। अगर ये मान लो वी वेरिएबल होता, कोई बस तेज चला रहा होता कोई बस धीरे चला रहा होता, तो हम ये काम ना कर पाते, हम ये देख के नहीं कह सकते थे कि अगर ये बस अभी यहां पर है तो कब अपने जो भी तुम्हारा डिपो है वहां से चली होगी। ठीक है ना, लेकिन चूंकि कांस्टेंट वेलोसिटी सब लोग चल रहे हैं, तो अगर मुझे डिपो का टाइम टेबल पता है, ठीक है, अगर मुझे पता है कि इतने बजे यहां पर गुजरती है, तो मैं किसी आदमी मालूम को पता है कि भाई लखनऊ से बस इतने इतने बजे निकलती है, यहाँ का टाइम टेबल पता है, और मेरा दोस्त फैजाबाद में बैठा है तो मुझसे कह दूंगा बेटा देखो इतने बजे तुम्हारे यहाँ पे बस निकलेगी, ठीक है, बिकॉज मुझे पता है कि यहाँ से फैजाबाद जाने में कितना टाइम लगता है। तो मैं किसी भी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिख सकता हूँ अगर मुझे ओरिजिन का पॉइंट पता है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या? तो ये सब रब करके मुझे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती जरूरत होगी, मैं यहां पे लिख सकता हूं y ऑफ x कॉमा t इज इक्वल टू f ऑफ t माइनस x y d। ठीक है, नाउ इट सो हैपेंस कि ज्यादातर केसेस में f t जो है वो a साइन ओमेगा t प्लस फाइव टाइप का टर्म है। ठीक है, चूंकि किताब में माइनस ओमेगा t वाला एग्जांपल हमने पहले लिख लिया है, इसलिए मैं एफ टी को y इक्वल टू माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव लिख देता हूं। कोई कष्ट है इसमें? है प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव लिखा जाए, तो माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव लिख दे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो y एट x कॉमा टी कितना हो जाएगा a साइन माइनस ओमेगा t माइनस एक्स वाई वी प्लस। ठीक है, मैंने क्या किया, टाइम की जगह पर टी की जगह पर टी माइनस एक्स बाई बी लिख लिया, वो होता है वो जनरल किसी भी पॉइंट के लिए टाइम का रिलेशन है, और ये ओमेगा एक्स बाई बी को मैंने के लिख लिया, के एक्स लिख लिया, तो इसको मैंने चेंज कर दिया के साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, पक्का? जहां पर के की वैल्यू ओमेगा बाई वी आ गई। ठीक है, यहां कोई कष्ट? अब क्या हो रहा है, चाहूं तो मैं इस माइनस साइन को बाहर ले लूं, ठीक है, और इसको ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस फाइव लिख लूं, जहां पे माइनस फाइव को नया फाइव प्लस फाइव लिख लूं, इसमें इसको क्या कर लूं cos pi by 2 minus theta is equal to sin theta लिख करके इसको cos of pi by 2 minus a कर लूं, तो हो जाएगा omega t minus kx। ठीक ना, तो
तो चाहूं तो साइन में लिखूं, चाहूं तो कॉस में लिखूं, चाहूं तो ओमेगा को प्लस रखूं, चाहूं तो एक्स को प्लस रखूं। और पूरा आइडिया क्या है कि एक टर्म होगा लीनियर एक्स में, एक टर्म होगा लीनियर टाइम में, और टाइम और एक्स के कोफिशिएंट अपोजिट साइन के होंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं एक्स बढ़ा रहा हूं तो वहां का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ओरिजिन का पुराना डिस्प्लेसमेंट होगा, कम टाइम का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो एक्स बढ़ाऊं तो टाइम घटना चाहिए। ठीक है सर, की बात हो एक गाँव छोटी छोटी और बात कर लें, किताब में आगे करेंगे। तो के की वैल्यू उन्होंने ओमेगा बाई बी लिख ली। ओमेगा तुमको मालूम है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होती है, और अपॉन वी कर लेंगे तो वी अपॉन फ्रीक्वेंसी लेमडा हो जाती है, तो ये 2 पाई बाई लेमडा हो गई। ठीक है, और जैसे हम लोग वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा लिखा करते थे, वैसे यहां पे वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा बाई के एक नया फॉर्मूला है। ठीक है, जो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी है, 2 पाई बाई लेमडा है, तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी ऊपर जाके वेलोसिटी हो जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट है ना, ये तो किसी भी वेव की स्पीड हो सकती है, लाइट भी वेव है तो उसके लिए भी हो सकती है। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए बात कर रहे हैं तो वहां पर स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी, लेकिन अगर मान लो मैंने एक रस्सी खींच करके उसमें ऐसे झटका दिया है तो उसकी तो धीरे धीरे चलेगी, तुरंत 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड चलेगी। ठीक है ना, पानी मैंने पत्थर फेंका है तो वो वेव तो धीरे धीरे चलेगी। ठीक है, हाँ क्या तो कुछ होता है। इसके अलावा मैंने छोटी सी और बात कर दी कि क्या भैया तुम कह रहे थे कि वेलोसिटी किस दिशा में है, तो ये सारी बातें सही है। अगर वेलोसिटी नेगेटिव हो जाए, कोई जरूरी थोड़ा ना है कि बस फैजाबाद की तरफ ही जा रही हो, ऐसी बस भी तो हो सकती है जो फैजाबाद से लखनऊ आ रही हो, ऐसी बस भी तो हो सकती है जो एक्स इज इक्वल टू 150 से x इज इक्वल टू 0 की तरफ आ रही हो, तो उस वेव के लिए हम क्या कह देंगे कि 10 बजे x इज इक्वल टू 150 पे जो बस खड़ी है वो 1 बजे x इज इक्वल टू 0 पे होगी, मतलब 3 घंटा बाद हो जाएगी। तो उन चीजों में यहां पर ये वाली जो फंक्शन है, यही लिख दे रहा हूं, ये f ऑफ t प्लस x बाई v हो जाएगा। ठीक है, हाँ पक्का। और ये वाला जो फंक्शन है वो a साइन kx प्लस ओमेगा t प्लस फाइव हो जाएगा। ठीक है, तो आइडिया क्या है, अगर मैं v की जगह पर माइनस v डाल दूं तो जो मेरा t का कोफिशियंट था और x का कोफिशियंट था वो अलग अलग साइन के ना होकर के सेम साइन के हो जाएंगे। ठीक है, और अगर ऐसी स्थिति है दोनों तरह की, मतलब चाहे कोई कहे a साइन 100x प्लस 100t या कोई कहे a साइन माइनस 100x माइनस 20t, दोनों ही केस में अगर ओमेगा और k दोनों के साइन सेम है इसलिए वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो दो तरह से लोग इस बात को लिखते हैं, एक v इक्वल टू ओमेगा बाई k लिख लेते हैं, मैं इसको ज्यादा अच्छा प्रेफर करता हूं कि चलो तो कोई बात नहीं, इसको y माइनस ओमेगा बाई k लिख दो तो साइन के साथ आंसर आ जाता है, मतलब दोनों पॉजिटिव होंगे तो आंसर क्या कहते हैं नेगेटिव आ जाएगा। पर आइडिया यही है कि टाइम के कोफिशिएंट और डिस्प्लेसमेंट के कोफिशिएंट का रेशियो लेना है, और अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हैं तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव। ठीक है, अब इन्होंने देखो बुक में क्या किया, थोड़ी सी चीजें दिखाई, तो एक देखो 15.5 में एक बड़ा सा बॉक्स बना लिया, ये कह रहे वाई एक्स कॉमा टी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन एंड टाइम, तो एक्स इज इक्वल टू 12 मीटर पे टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना है हम इस फंक्शन से दिखा सकते हैं। ये मेरा एम्पलीट्यूड है, ओमेगा जो है वो मेरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, के जो है उसको एंगुलर वेव नंबर कहते हैं, तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और एंगुलर वेव नंबर का मतलब 2 पाई बाई
लैम्डा हो जाएगा। हम लोगों ने जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू वेव नंबर, वेव नंबर इज नंबर ऑफ वेव पर मीटर ऑफ लेंथ, ठीक है, वेव नंबर था, और उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो तो एक तरह से वो एंगुलर वेव नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने डायग्राम्स में दिखाना शुरू कर दिया, ठीक है, कि अगर मान लो ये मेरी वेव चल रही है तो जो इसकी हाइट है वो ये एम्पलीट्यूड हो गई, ठीक है ना, और एक इन फेज वाली चीज से दूसरी इन फेज वाली चीज के बीच की दूरी जो है वो लैम्डा हो गई, तो एक मैक्सिमा से एक मैक्सिमा, दूसरे एक मिनिमा से दूसरा मिनिमा, ठीक है ना, इस तरह की चीजें इन्होंने दिखानी शुरू कर दी। उसके बाद देखो क्या कर रहे हैं कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग जो ऑप्शन बी सी और डी और ई हैं उसमें दिखा रहे हैं कि पार्टिकल का, मान लो मैं लेफ्ट वाले पार्टिकल का मोशन देखूं, ठीक है, बिल्कुल लेफ्ट वाला जो डॉट है, तो देखो क्या है, पहले ये लाइन के ऊपर था, ठीक है, फिर ये लाइन के नीचे गया, ठीक है, एकदम एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर लौट के आया एक्सट्रीम पोजीशन और लाइन के नीचे रहा, फिर क्रॉस करके लाइन के ऊपर चला गया और फिर एक्सट्रीम पोजीशन जा करके फिर लाइन के नीचे आ गया, तो ये तो अपने यहाँ पे एक्सटेम कर रहा है, लेकिन जब ये एक्सटेम कर रहा है तो अगर मैं वेव को देखूं तो किसी एक मैक्सिमा को पकड़ो, जैसे मान लो पहले वाले मैक्सिमा को देखें तो पहले देखो ओरिजिन से थोड़ा पीछे थी, फिर थोड़ा पास आई, फिर ओरिजिन पे आ गई, फिर वही वाला मैक्सिमा ओरिजिन से थोड़ा आगे चला गया और पीछे एक नया मैक्सिमा निकल करके आ गया, इस तरीके से वेव आगे प्रोपोगेट करती, तो हर पार्टिकल अपने आप में एक्सटेम कर रहा है और वो डिस्टर्बेंस जब धीरे धीरे आगे पास हो रहा है तो वेव आगे एनर्जी पास कर दे रही है, ठीक है। अब इन्होंने धीरे धीरे 15.3.1 से धीरे धीरे शब्दों के मतलब बताना शुरू कर दिए। तो पहली चीज क्या, एम्पलीट्यूड क्या है, जो पार्टिकल का किसी एक इंडिविजुअल पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। फेज क्या है, जैसे हम हमेशा पढ़ते थे कि जब हम एसएसएम में साइन या कोसाइन के टर्म से किसी पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को लिखें तो जो साइन के साथ ब्रैकेट में एंगुलर टर्म है वो पूरा का पूरा फेज, तो यहाँ पर के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस वाई या के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस वाई भी हो सकता है अगर नेगेटिव डायरेक्शन में वेव जा रही हो, ये पूरा का पूरा फेज है, ठीक है। जहां पर फाई की क्या औकात है, फाई ये बताता है कि एक्स इज इक्वल टू जीरो वाला पार्टिकल टी इज इक्वल टू जीरो पे कहां पे था, ठीक है। जैसे मान लो एक्स इज इक्वल टू जीरो वाला पार्टिकल टी इज इक्वल टू जीरो पे ओरिजिन पे होता और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा होता, ठीक है, तो हम लिख देते वाई इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। अब ध्यान देना मेरी बात को, मैथमेटिक्स आ गई यहां पर, अगर जो पार्टिकल था एक्स इज इक्वल टू जीरो वाला वो टी इज इक्वल टू जीरो पे ओरिजिन पे होता लेकिन ऊपर जा रहा होता तो मैं लिख देता ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और नीचे जा रहा होता तो लिख देता ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये बात मैंने क्यों बोली, पहली बात तो क्या है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे टी इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल ओरिजिन पे है, इसका मतलब जो फाई वाला टर्म है ओमेगा टी और के एक्स जीरो हो गए तो ए साइन फाई जीरो है इसलिए फाई वाला टर्म जीरो हो गया। अब दूसरी चीज मैं पूछूंगा ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है कैसे देखेंगे, मैं कहूंगा भाई पार्टिकल वेलोसिटी डिफाइन करो, तो पार्टिकल वेलोसिटी क्या है, डी वाई बाई डी टी, तो क्या हो जाएगा ए ओमेगा कॉस वॉट एवर ब्रैकेट का टर्म, ठीक है, तो जीरो पे तो कॉस की वैल्यू वन होती है, ठीक है। अब ए ओमेगा लगाऊं या माइनस ए ओमेगा लगाऊं ये डिफाइन करेगा कि पार्टिकल ऊपर जा रहा है या पार्टिकल नीचे जा रहा है। तो अगर आपने कह दिया कि भाई टी इज इक्वल टू जीरो पे एक्स इज इक्वल टू जीरो वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा था तो इसका मतलब टाइम का कोफिशियंट पॉजिटिव है, तभी डिफरेंशिएशन करेंगे, जो सामने ओमेगा आएगा वो प्लस ओमेगा आएगा, ठीक है। तो मैं लिख दूं मेरा पार्टिकल जो है वो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हो गया, ठीक है, और अगर नीचे जा रहा था तो इसका मतलब समय के साथ वाई घटने वाला है, इसका मतलब टाइम का कोफिशियंट नेगेटिव है,
तो मैं ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी कर, ठीक है, तो हम उस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, चिंता ना करना, ठीक है ना। उसके बाद वेवलेंथ एंड एंगुलर वेव नंबर आ गया, तो कह रहे हैं कि जो एक्स का कोफिशियंट है उसको के कह सकते हैं, वो एंगुलर वेव नंबर हो गया, ठीक है। और अब यार ये बात मैं यार बोर्ड पे समझाऊं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगी, आगे फिर से वीडियो चला। फिर y है, वेव है, y इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t प्लस y है, तो मान लो ये कोई पॉइंट है x नॉट, इसकी फेज कितनी है kx नॉट माइनस ओमेगा t प्लस y, ठीक है। तो जैसा इसका मोशन होगा, ठीक है, अगर मैं इस फेज में प्लस टू पाई ऐड कर दूं, ठीक है, तो उस पार्टिकल का भी ऐसा ही मोशन होगा। हाँ, अब वो वाला जो पार्टिकल है इसे प्लस टू पाई ऐड किया, वो कहां पे होगा, यहां से लेमडा दूरी पर, बिकॉज अगर मैं एक्स नॉट की जगह पर एक्स नॉट प्लस लेमडा डाल दूं, तो जो मेरा फेज है वो हो जाएगा के एक्स नॉट प्लस के लेमडा माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, पर के लेमडा की वैल्यू कितनी है, टू पाई है। अब साइन में टू पाई ऐड कर दिया तो इसका मतलब साइन आइडेंटिकल हो गया, यानी कि ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल और फॉर दैट मैटर एक लेमडा और वाला जिसमें फोर पाई ऐड हो जाएगा और एक लेमडा और वाला जिसमें सिक्स पाई ऐड हो जाएगा, ये सारे के सारे पार्टिकल कैसे मूव करेंगे, एक साथ ऊपर जाएंगे एक साथ नीचे आएंगे, ठीक है। तो ये दोनों पार्टिकल, ये सारे पार्टिकल जो हैं, ये टू पाई फोर पाई सिक्स पाई के फेज डिफरेंस में चल रहे हैं या इन फेज, ठीक है। तो लैम्डा और वेव नंबर का कंसेप्ट क्लियर हो गया, लैम्डा आ गया, ऐसे दो पार्टिकल जो इन फेज में मूव करते हैं, ठीक है, वो लैम्डा आ गया, और के हो गया टू पाई बे लैम्डा, वो वेव एंगुलर वेव नंबर आ गया, ठीक है, नहीं चलने दो कोई बात नहीं। उसके बाद पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी और इस तरह की बात करने लगे। अब फिर भी वाली बात हो गई कि मान लो ये पार्टिकल ये यहां पे t इक्वल टू t नॉट पे है, तो मैं कहूंगा भैया जब ये ऊपर जाके वापस आके फिर यहां आएगा तो ये नया टाइम हो जाएगा, वो t नॉट प्लस कैपिटल t हो जाएगा, ठीक है। जो कैपिटल t हो गया टाइम पीरियड हो गया, वन अपॉन कैपिटल t फ्रीक्वेंसी हो गया, और टू पाई बाई कैपिटल t ओमेगा हो गया। अब क्या हो जाएगा, जब मैं उस इक्वेशन में y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा t प्लस फाइव में t नॉट की जगह पर t नॉट प्लस t डालूंगा, तो यहां पर माइनस ओमेगा t में क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा t नॉट और साथ में माइनस टू पाई बाई कैपिटल t इंटू t, तो माइनस टू पाई हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब टाइम पीरियड टी के बाद जो पार्टिकल का मोशन वैसा ही होगा जैसा वो टाइम पीरियड टी से पहले था, तो वो तुम्हारा टाइम पीरियड आएगा जो हम लोग पहले समझते हैं, ठीक है ना। तो तुम्हें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ये तुम्हारा टाइम के कोफिशिएंट से निकल करके आता है, ठीक है, ठीक है। चल इससे सारी क्वेश्चन हो गई, ठीक है, बंद करो वीडियो। तो जो मैंने बातें बताई, अगर ये बात समझ में आ गई होगी, तो एग्जाम्पल 15.2 जैसा सवाल हम लोग कर सकते हैं। ये कह रहे हैं वेव ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रिंग इज डिस्क्राइब्ड बाई वाई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है, फाई यहाँ पे जीरो है, इन विच द न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट सारे इन एसआई यूनिट, जिसका मतलब 0.005 मीटर है, 80 जो है वो रेडियन पर मीटर है, एक यूनिट क्या हो जाएगी रेडियन, एंगुलर है ना, रेडियन 2 पाई बाई लैम्डा रेडियन पर मीटर, और वो रेडियन पर सेकेंड है। कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड, तो कह देंगे भैया इसका एम्पलीट्यूड 5 मिलीमीटर है, ठीक है, जो 0.005 है एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। वेवलेंथ तो 80 जो है वो 2 पाई बाई लैम्डा है, k क्या है, x का कोफिशिएंट
टू पाई बाई लेमडा है, वहां से लेमडा आ जाएगी। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, तो जो टाइम का कोफिशियंट है थ्री, वो मेरा टाइम के कोफिशियंट देखेंगे वो टू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी है, बदली ओमेगा आ गया, वहां से फ्रीक्वेंसी आ गई, वहां से टाइम पीरियड हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू थ्री आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर उन्होंने पूछा नहीं, लेकिन कोई मुझसे पूछे कि भाई वेव की वेलोसिटी कितनी है, तो मैं 3/80 मीटर पर सेकंड कर दूंगा, ओमेगा बाई, अभी मैंने बताया वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा बाई के, शायद अभी आगे चल के बताएंगे, तो 3/80 आ जाएगा। और फिर कह रहे हैं कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट वाई ऑफ द वेव एट अ डिस्टेंस एक्स इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड टाइम टी इज इक्वल टू 20 सेकंड। तो मैं 30 सेंटीमीटर डालूंगा, तो 80 × 0.3 कितना हो जाएगा 24, और टाइम 20 सेकंड डालूंगा तो 3 × 20 हो जाएगा -60, तो 24 - 60 -36, तो 0.005 साइन -36 आ गया है, तो बड़े बेकार से लोग हैं। ओहो ठीक है ना, तो भाई देखो उन्होंने नीचे क्या कर लिया, -36 + 12π कर लिया, ठीक है, तो -36 को तुमको डिग्री में कन्वर्ट करना है, और ये कहीं से 97 डिग्री हो गया, तो भाई मुश्किल सवाल हो गया, हम कैसे बताएं कि -37 की वैल्यू 97 होती है, पर जहां से भी आई वो वैल्यू 97 डिग्री, और फिर साइन 97 की वैल्यू करीब करीब 1 के करीब होगी, इसलिए करीब करीब 5 मिलीमीटर होगा, हालांकि होगा 5 मिलीमीटर से थोड़ा छोटा ही, बिकॉज साइन 97 1 नहीं होगा, 1 से थोड़ा छोटा होगा। तो इन्होंने गलत सा सवाल दे दिया, इनको ऐसा नंबर चूज करने चाहिए थे कि भाई ब्रैकेट में π/4, π/3 ऐसा कोई नंबर आ जाता तो जिंदगी आसान, ठीक है। अगला कंसेप्ट उन्होंने एक दे दिया स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव, जो हम लोग धीमे से पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कह रहे हैं इन्होंने जो जिस तरीके से इसको अप्रोच किया, इसको थोड़ा सा अलग अप्रोच किया, कह रहे हैं मान लो मेरा पार्टिकल जो है t = 0 पे कोई वेव का, देखो जो पहला डॉट बताया वो कह रहे हैं, मान लो t = t पे मेरा मैक्सिमा पहले वाले डॉट पे था, और t = t + δt पे मेरा मैक्सिमा दूसरे वाले डॉट पे था, तो जितना ये डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा एक्स, ये मेरी वेव है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं मान लो टाइम t से t + δt हुआ और एक्स एक्स से x + δx हुआ, तो फेज नहीं बदली, क्यों, पहले यहां मैक्सिमा था फिर वहां मैक्सिमा था, इसका मतलब क्या हुआ, फेज सेम रही, ठीक है। जितना टाइम बढ़ने की वजह से फेज घटी, उतना ही मैंने एक्स बढ़ा करके फेज बढ़ा ली, नेट नेट यही बात हो गई, ठीक, वो भी मैक्सिमा था ये भी मैक्सिमा था। तो उन्होंने कहा अगर मैं दोनों को डिफरेंशिएट करूं तो kx - ωt का डिफरेंशिएशन हो गया k δx - ω δt, और यहां से δx/δt को ω/k लिख लिया, ठीक है। और वैसे तो जैसे हम लोग पहले जानते थे ओमेगा को अगर फ्रीक्वेंसी और के को अगर वेवलेंथ के टर्म में लिखें तो λ/λ × फ्रीक्वेंसी या λ/टाइम पीरियड हो जाएगा, ये तो बात हम लोग पहले से, ठीक है। अब जैसे मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि जो वेव की वेलोसिटी है इसका हमारे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे मैं बोल रहा हूं बड़ी भद्दी सी आवाज में बोल रहा हूं, बहुत रियाज कर लू तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे भी बोल सकता हूं ना, पिच अपनी बढ़ा सकता हूं घटाता हूं, तो फ्रीक्वेंसी मेरे हाथ में है, ठीक है ना, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, लेकिन ये रफ्तार क्या होगी, मेरे पास से साउंड चल करके तुम्हारे पास कितनी दूर में जाएगी, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, हवा में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, या मान लो यहां पे हीलियम भरी हुई है, टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है या 27 डिग्री सेल्सियस है या -60 डिग्री सेल्सियस है, तो ये मटीरियल प्रॉपर्टी है। या अगर मान लो पानी होता तो पानी का ये जो डेंसिटी है या और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, वाटर की सरफेस पर चलने वाली वेव बहुत मुश्किल होती है, हम लोगों को पढ़ाई नहीं जाती है, ठीक है, तो फॉरगेट अबाउट दैट, ठीक है। या अगर रस्सी होती तो रस्सी का टेंशन कितना है, रस्सी मोटी कितनी है, पतली कितनी है, इस तमाम तरह की चीजों पर आंसर डिपेंड करता। और वेवलेंथ कितनी है, तो वास्तव में जो मेरा ओमेगा इज इक्वल टू सॉरी वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी है, उसमें वेलोसिटी ना हमारे हाथ में है, वेलोसिटी मटेरियल के हाथ में है, फ्रीक्वेंसी किसके हाथ में है, सोर्स के हाथ में, और वेवलेंथ जो है
वो इन दोनों के बेसिस पे कैलकुलेट होकर के निकले, ठीक है, वेवलेंथ सोर्स और मटेरियल रिलेशन तो है ये, लैम्डा इज इक्वल टू वी बाई फ्रीक्वेंसी, तो वी मटेरियल डिफाइन करेगा और फ्रीक्वेंसी सोर्स डिफाइन करेगी, इन दोनों से वेवलेंथ निकलेगी। तो एक बार बहुत अच्छे से लिख लो, लिखो कि v इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी में v मटेरियल डिफाइन करेगा, फ्रीक्वेंसी सोर्स डिफाइन करेगा और लैम्डा इन दोनों के बेसिस पे कैलकुलेट होकर निकलेगा। अब यहां तक की जो सारी बात थी ये इसमें बेसिकली एक ही चीज आई कि जो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव था या माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव था उसमें एक प्लस के एक्स का टर्म जोड़ दिया गया क्योंकि अलग अलग पॉइंट का फेज अलग अलग है और फिर के का क्या मतलब है, ओमेगा क्या मतलब है, ए का जो मतलब था, फाई का जो मतलब था वो सब पहले से पता है, वेव की वेलोसिटी से वो कैसे रिलेटेड है ये हमने निकाल लिया। अब जो 15.4.1 से आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे कि अलग अलग मीडियम में, ठीक है, वेव की वेलोसिटी कैसे डिपेंड करती है, जो हम लोग अगली क्लास में, ठीक है ना, ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है। तो आज के लिए बस इतना ही।